हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ चल ले ओए। मेरा नाम है रुबिर और अगर आप आज ही मेरी जर्नी के साथ में जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं पूरा इंडिया अपनी कार में ट्रैवल कर रहा हूं और बेस्ट सिनेमैटिक व्लॉग्स बनाता हूं जिससे आप अपने घर बैठकर उस जगह का मज़ा एक मूवी की तरह ले सकते हैं। मैं अभी चित्तौड़गढ़ में हूँ और अगर आपने मेरे चित्तौड़गढ़ व्लॉग का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले वहीं से ही स्टार्ट कीजिए। तो आइए देखते हैं कि चित्तौड़गढ़ के दूसरे पार्ट में मैंने क्या गजब। So now I'm going to visit the Topkhana building. They have maintained and displayed all those cannons which were used in the war of Chittorgarh. I know you will always be there. I know you will always be there. Cannons देखना तो बहाना था बहुत। एक्चुअली मेरा ड्रोन जब्त कर लिया गया था विदाउट परमिशन फ्लाइंग की वजह से। सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे तोपखाने के साथ ही पुलिस हेडक्वार्टर्स में ले जाया गया जहां मुझे एक जेंटलमैन ऑफिसर मिले और उन्होंने मेरी सारी कहानी सुनने के बाद मुझे मेरा ड्रोन वापस कर दिया। थैंक गुडनेस मुझे मेरी एंट्री टिकट एंड शूटिंग टिकट खरीदने की अच्छी आदत ने बचा लिया। बट सच में ऐसी ब्यूटिफुली कार्व्ड कैनन्स का ओपन डिस्प्ले मैंने आज तक नहीं देखा था। You will always be the one to hold me. You will always be the one who knows me. You will always be, come on, let me closer to your heart. पुलिस हेडक्वार्टर्स से छूटने के बाद मैं सबसे पहले मीरा टेम्पल्स के साथ में ही मौजूद 11th सेंचुरी के श्री सतबीस देवरी जैन टेम्पल्स के दर्शन करने के लिए गया। 7 मतलब 7, 20 मतलब 20। कहते हैं कि यहाँ पर 27 जैन टेम्पल्स होते थे जिसमें से केवल 6 ही आज मौजूद है। ट्रस्ट मी, मेरी अभी तक की पूरी ट्रिप में केवल एक यही ऐसा जैन टेम्पल है जिसमें मुझे शूटिंग करने के लिए अलाउ किया गया। ये मंदिर फोर्ट पर बने सभी 6 जैन टेम्पल्स में सबसे बड़ा है जो कि भगवान आदिनाथ को समर्पित है। जैन टेम्पल्स सच में बहुत ही सुंदर होते हैं पर मैं आज तक इनमें फोटोग्राफी करने की मनाही के सही रीजंस को नहीं जान पाया। जैन टेम्पल्स के बाद मैं थोड़ा आगे विजय स्तंभ के साथ बने समाधीश्वर मंदिर गया। ये 11th सेंचुरी में बना मंदिर शिव जी को समर्पित है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर और अंदर के पिलर्स पर सब जगह हिंदू धर्म के देवी देवताओं की बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनी हुई हैं। मंदिर के अंदर शिव जी की बहुत बड़ी पीले रंग की त्रिमूर्ति बनी है जो कि सच में बहुत सुंदर है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट को वाटर फोर्ट कहा जाता है जिसमें 84 मतलब 84 वाटर बॉडीज हैं जिसमें से 22 आज भी तालाब, कुंड और बावड़ियों के रूप में जिंदा है। इस मंदिर के दक्षिण में इस फोर्ट का सबसे आइकॉनिक कुंड है जिसका पानी सीधे गौमुख मंदिर से आता है। ये पानी देखने में तो बिल्कुल साफ है पर कुंड में हरा दिखता है और कहा जाता है इस फोर्ट में इतना पानी था कि 50,000 सैनिकों को 4 साल तक बिना बाहरी मदद के जिंदा रख सकता था। और हाँ, गौमुख में एक नहीं बल्कि 2 वाटर आउटलेट्स हैं जिसमें से 24 घंटे पानी निकलता है। इस पानी को टेस्ट करना मत भूलना बॉस। सब बॉटल वाटर का स्वाद भूल जाओगे। कहते हैं अपनी चार धाम की यात्रा के बाद यहाँ स्नान करना मैंडेटरी है। मंदिर के बाहर निकलते वक्त खुदाई में निकले 8वीं सदी ऑनवर्ड्स के अवशेष जरूर देखिए। टिकट काउंटर के बाद सबसे पहली इमारत कुंभा पैलेस ही है। ये फोर्ट की सबसे बड़ी इमारत है जिसका नाम सिसोदिया क्लान के सबसे बड़े राजा राणा कुंभा के नाम पर रखा गया था। Right now I am in Kumbha Palace. Kumbha Palace is the same place where first Johar was conducted by Rani Padmavati. इसी पैलेस में सबसे पहले मीराबाई रहती थी। पैलेस की एंट्री करते ही आपको बड़े-बड़े अनफॉर्चुनेट तहखाने देखेंगे जिसमें सबसे पहली बार रानी पद्मावती ने 13,000 अन्य महिलाओं और बच्चों समेत जौहर किया था। ये पैलेस मैंने लास्ट में देखने के लिए इसलिए छोड़ा था क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ के खंडरों की सुनसान दीवारों के बीच में मैं आज भी वो चीखें सुन पाऊंगा। सच में अपनी और अपनी जमीन की इज्जत को बचाने के लिए सिर्फ रानी और महिलाओं के इस बलिदान की कहानी शायद पूरे विश्व में अनूठी है। ये पैलेस अब ऑलमोस्ट खंडर हो चुका है पर यहाँ पर रात के समय एक लेज़र लाइट शो होता है जो कि देखने लायक है। 100 रुपये की इस टिकट को आप एडवांस में ही खरीद लें क्योंकि यूजुअली ये हाउसफुल जाता है। Right now I am in Padmini Mahal. So this is one of the most beautiful and also most protected place of this fort. Padmini Palace is actually located behind me as you can see and this lake is called as Padmini Lake. ये पैलेस राजा रावल रतन सिंह ने अपनी बेहद खूबसूरत रानी पद्मावती के लिए बनवाया था। कहते हैं कि 3 मंजिला इस महल में से खिलजी को रानी पद्मावती की झलक एक शीशे में दिखाई गई थी। इसी पैलेस में खिलजी के साथ लड़ाई के कारण की नींव रखी गई थी। सच में ये महल पूरा वाइट था पर अब इसके कोर्टयार्ड्स को गार्डन्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। शायद फतेह प्रकाश पैलेस जो कि आजकल रिकंस्ट्रक्शन के लिए बंद है के बाद यही एक पैलेस है जो कि सिंपल येट बहुत ही सुंदर है। Now we are heading to Menal actually and rain has welcomed us like anything. It is raining heavily. I don't know whether I'll be able to do shoot in Menal or not but this rain is going crazy. चित्तौड़गढ़ टू बूंदी नेशनल हाईवे 27 पर चलते हुए बारिश ने बहुत सारे छोटे-छोटे पॉन्ड्स बना दिए थे। It was our luck that before reaching Menal The rain had stopped और चारों तरफ सिर्फ बादल ही बादल। baby. I'll do it all for you. I'll be enough for you. 'Cause you make me feel like, yeah, you make me feel like. I said you make me feel like, yeah, you make me feel like. I know you will always be the Right now we have reached Menal and the place is amazingly beautiful. Thank goodness that the rain stopped. So Menal is actually located around 60 to 65 kilometers or about 1 hour drive from Chittorgarh. And if you can afford to come to this place, your every penny spent will be worth it. So let's go check out Menal only and only on Chal Le Oye. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर 11th सेंचुरी के टेम्पल्स के साथ मेनाली रिवर पर बना ये वाटरफॉल सीरियसली इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल आई हैव एवर सीन। ऑल्दो समर्स में इसका पानी थोड़ा कम हो जाता है, पर इसको देखने का असली मज़ा तो मानसून्स में है। बस झरने की आवाज़, चारों तरफ ग्रीनरी और परफेक्ट पिकनिक स्पॉट्स। वट एल्स डू यू वॉन्ट टू मेक योर डे वर्थ रिमेम्बरिंग। इंडिया के ऐसे ही ना जाने कितने हिडन स्पॉट्स को 4K में देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें। मैं आपको मिलूँगा एक नए शहर में कुछ नया ढूंढने मेरे साथ। चल ले ओए।